आज आपकी खिदमत में मोमिनों का एक और कारनामा लेके आया हूँ। इंग्लैंड में भी अच्छा मुल्क है, मगर जो भारत है वो भी अच्छा मुल्क है, मगर जिस तरह पाकिस्तान में एक खातून थी सीमा हैदर, वो गैर मुस्लिम होगी, उसको गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए था और भारत नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसी बंदे को मुसलमान करना चाहिए था। जी जिसके साथ सीमा हैदर हिंदू होगी उसको मुसलमान करना चाहिए था। ये एक मोमिन था जो एक बेचारा गोरा जो उधर काम करता, सारे बाकी मोमिन से रोजे रख रहे थे, उस तरह जैसे दुनिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं लोगों को कह रहे हैं तुम भी ना खाओ, हमने फाके किया तुम्हारे सामने ना खाना खाओ। तो देखो जरा Look at this kuffar. Everybody's on Ramadan. I know, I actually feel bad for eating. मेरे ख्याल में ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, बस ये है कि उनका जो मीडिया उन्हें प्रमोट बहुत करता है। मीडिया प्रमोट वही करता है ना जो वहाँ पर हो रहा है। अब उनकी इकोनॉमी पांचवे नंबर पे है तो है, उनकी तालीम अच्छी है तो वो है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो तो है। मैं रोजा रख के बैठा हूँ, तो कहते हैं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पाकिस्तान ज्यादा अजीज है, हम मुसलमान हैं, हम ज्यादा उसमें रहना चाहेंगे पाकिस्तान में। के गैर मुस्लिमों से नफरत करते हो? हाँ जी। क्यों? बस नरेंद्र मोदी ने जो है वो हमेशा जो है अपना फायदा सोचा और उसने रूस के साथ मिलके जो है अपना कारोबार डेवलप किया, अपने मुल्क को तरक्की दी है। हम बेचारे जो अमेरिका के पीछे पीछे दुम पकड़ के चल रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने होली भी मनाई है, हमने ईद पे भी सेलिब्रेट किया है और मैं उनके साथ रहा हूँ। तो अगर हम जो मुल्कों लोगों के अंदर डालते हैं ना इंडियंस बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इंडियंस बहुत अच्छे लोग भी हैं और हिंदू मुझे लगता है रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए, बीच में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप मुस्लिम हो आप अपने हिसाब से चलो, हिंदू हैं वो अपने हिसाब से चलें, क्रिश्चियंस अपने हिसाब से चलें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडियंस आर रियली नाइस पीपल। जानते हैं कि मोमिनीन अपने मुल्कों में तो बदमाशी करते ही हैं, जहाँ पर ये कोई नॉन मुस्लिम को रमजान में खाता देख लें, धुलाई करते हैं, मारते हैं, ऐसी काफी वीडियोस आई हैं, मैं यहाँ पे चला भी नहीं सकता, पॉलिसी के खिलाफ हो जाती है। लेकिन चलो ये तो बदमाशी अपने मुल्कों में करते हैं ना, जहाँ पे इनकी बदमाशी चलती है। गोरे पोलाइट लोग हैं, गोरों ने इनको आने दिया, सारे दुनिया के लोगों को आने दिया, सारे लोग ठीक है अपनी दिवाली होली मनाते हैं, चाइनीज न्यू ईयर मनाते हैं, अपने एरिया में तकलीफ नहीं देते किसी को, कोई बदमाशी बदमुशी नहीं करते। लेकिन मोमिनीन ये वो मजहब है जो जहाँ पर भी जाता है लोगों को अपने असूलों पर लोगों के थोपता है। गैर मुस्लिम नहीं पसंद है? हाँ जी। चाइना पसंद है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। चाइना भी नहीं पसंद है? नहीं। गैर मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? तो वो भी इंसान ही, वो इसलिए कि वो हमारे अल्लाह को मानते नहीं है। हर इंसान का अपना रिलीजन होता है, मुझे मैं मुस्लिम हूँ मुझे अपने रिलीजन से प्यार है, आप मुस्लिम हैं आपको भी अपने रिलीजन से प्यार है, वो गैर मुस्लिम है उनको भी अपने रिलीजन से प्यार है, ऐसे एक दूसरे के मजहब पर अटैक, हर बात पे जंग शुरू कर देते हैं क्योंकि ये नहीं देखते। अभी आप देख रही हैं इंडिया में क्रिश्चियन के साथ क्या किया जा रहा है, किया जा रहा है लड़ाई झगड़े, ये लड़ाई झगड़े सब लोग खुश हैं। अभी हमने ईस्टर पर एक चर्च को जलाया, ये सवालिया निशान है हम पे कि क्या गैर मुस्लिम पाकिस्तान में महफूज है? यही तो बात है कि कई कोई मजहब किसी मजहब को इज्जत देगा ना, तो हमारे लिए यही बहुत है। मैं भी क्रिश्चियन हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि हर मजहब हर किसी को इज्जत दे। आज आपकी खिदमत में मोमिनों का एक और कारनामा लेके आया हूँ। इंग्लैंड में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोमिनीन अपने मुल्कों में तो बदमाशी करते ही हैं, जहाँ पर ये कोई नॉन मुस्लिम को रमजान में खाता देख लें, धुलाई करते हैं, मारते हैं, ऐसी काफी वीडियोस आई हैं, मैं यहाँ पे चला भी नहीं सकता, पॉलिसी के खिलाफ हो जाती है। लेकिन चलो ये तो बदमाशी अपने मुल्कों में करते हैं ना, जहाँ पे इनकी बदमाशी चलती है। गोरे पोलाइट लोग हैं, गोरों ने इनको आने दिया, सारे दुनिया के लोगों को आने दिया, सारे लोग ठीक है अपनी दिवाली होली मनाते हैं, चाइनीज न्यू ईयर मनाते हैं, अपने एरिया में तकलीफ नहीं देते किसी को, कोई बदमाशी बदमुशी नहीं करते। लेकिन मोमिनीन ये वो मजहब है जो जहां पर भी जाता है लोगों को अपने असूलों पर लोगों के थोपता है। उस एक बेचारा गोरा जो उधर काम करता, सारे बाकी मोमिनीन से रोजे रख रहे थे, उस तरह जैसे दुनिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं लोगों को कह रहे हैं तुम भी ना खाओ, हमने फाके किया तुम्हारे सामने ना खाना खाओ। तो देखो जरा Look at this kuffar. Everybody's on Ramadan. I know, I actually feel bad for eating. And this guy's, I'm going to put this right in eyes. This guy's stuffing his face. Bunch up. This guy just, he just sat here stuffing his face. पहले शेम किया उन्होंने कि देखो ये मुंह ठोंस रहा, अपना खाना ठोंस रहा, हम रमजान में हम फाके कर रहे हैं और ये देखो जी ये किस तरह, वो बेचारा शर्म आ गया, इट्स नॉट फेयर, लेकिन चलो मुझे बुरा लग रहा है मैं नहीं खाऊंगा, वो बेचारा चला गया। शरीफ इस तरह के बेवकूफ शरीफ गोरे हैं जिनकी वजह से ये लोग उनके सामने नमाजें पढ़ते हैं, उनके सीनों पे मूंग तलते हैं, दंदनाते फिरते हैं, हालांकि इनकी पॉपुलेशन 7% है। बदमाशी ये पहली दफा ऐसे नजर आया, पहले इतनी इनकी नंबर नहीं थे इसलिए ये बदमाशी नहीं कर पाते। बस में एक औरत खाना खा रही है तो एक और मोमिन कहता हूँ यार तुम खाना खा रही हो, रमजान का महीना
ना, क्यों खाना खा रही हो, तुम्हारी जो खुशबू आ रही है ना मेरे नथनों में जा रही है, मुझे भूख लग रही है। वो वही लॉजिक है, औरत बाहर फिर रही है, क्यों फिर रही हो बाहर, तुम्हारे कपड़े देखे यानी दोनों फड़कने लग जाती है, तो तुम घर में रहो। यानी ये लोगों को कहते हैं कन्फर्म करो, मैं रोजा रख के बैठा हूँ, तो कहती है मेरी प्रॉब्लम नहीं है। Do you want my out? If you fast, they should be indoors. Yeah, but let me see my lunch, and you come and disturb me. Yeah, what for? Yeah, but it's, I can smell it. So what? It's food. Of course, you're gonna smell it. Yeah, but can you not just wait until you like get Please, off the bus? Don't tell me what to do. You're fasting. Stay indoors and don't come and bother nobody on the. बड़ी अच्छी लॉजिक उसने मारी है, कहती तूने तूने रोजा रखा घर में बैठ, तो मैं क्या घर में क्यों बैठू, बस उतर के खा लो, कहती मुझे ना बताओ कि मैंने क्या करना। बिल्कुल सही, वो जैसा पहला था वो बिल्कुल पड़ोलू किस्म का गोरा था। ये थी स्याफाम औरत, जबरदस्त औरत, तैरी ऐसी की तरह। ऐसे बनना चाहिए लोगों को, जहां भी बदमाशी करो इनको लटा लो, इनको लंबा दौड़ जाए इधर से। No, no, but I'm just saying, I'm eating my lunch. Yeah, what's your problem? Because you're right next to me and I can go downstairs. Yep. Do you think you should have manners and not eating salad? Go downstairs and leave me alone. It's my lunch. आप समझ क्यों नहीं, आपके खाने से जो खुशबू आ रही है, क्राई बेबी, ये क्राई बेबीज है, कोई लथी चढ़ी नहीं है, हर एक के ऊपर अपनी मर्जी थोपते हैं। It will be cold. The bus terminates in like 5 stops. It will be cold. वो कह रहा जब घर जाके खाओ तो कहती वो ठंडा हो जाएगा तब तक मैंने खाना, मैंने अभी खाना। बहुत जबरदस्त है, वाह, सलूट है, सलूट आपको। तो थोड़ा सा तवज्जो दे, तो हमारे पाकिस्तान से कोई इंडिया में नहीं, भारत में नहीं जाएगा। बहुत से लोग जा भी चुके हैं। हाँ, गैर मुस्लिम जा भी चुके हैं, लेकिन वो गैर मुस्लिम की और बात है, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो नहीं जाने चाहिए। बेशक गैर मुस्लिम भी है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा किया जाए कि कोई बोला में ना जाए। आपने बोला कि गैर मुस्लिमों की अलग बात कैसे, इसका मतलब है कि हम गैर मुस्लिमों को पाकिस्तानी समझते ही नहीं है। भारत के बारे में कुछ जानते हो आप? जी। क्या जानते हो? भारत मतलब कि भारत भी अच्छा मुल्क है, मगर वो हिंदू है, उनको हिंदू की पूजा नहीं करना चाहिए। हमारा रब एक ही है, वो बुतों की पूजा करते हैं, पत्थरों की करते हैं, आदमी भी करते हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। वो उनका अपना मजहब है, आप किसी के मजहब को गलत कहोगे तो उनके कितने जज्बात को ठेस पहुंचेगी। हमें इंसानियत क्यों नहीं सिखाई जाती, ये बताओ स्कूल्स में। हमें हमेशा ये क्यों सिखाया जाता है कि वो बुतों की पूजा करते हैं, वो ऐसे हैं तो वो वैसे हैं। भाई चाइना से हम पैसे लेते हैं, चाइना के खिलाफ हमारी किताबों में नफरत क्यों नहीं है? वो तो किसी खुदा को नहीं मानते, बताएं। हाँ जी जी, वो उनका अपना मजहब है बेटा, ये हमारा अपना मजहब है, ठीक है? वो अपने मजहब पे चलते हैं, इट्स ओके, हम अपने मजहब पे चलते हैं, ठीक है? और क्या पढ़ाया जाता है बेटा उनके बारे में? उनके बारे में बताया जाता है कि भारत भी अच्छा मुल्क है, मगर जो भारत है वो भी अच्छा मुल्क है, मगर जिस तरह पाकिस्तान में एक खातून थी सीमा हैदर, वो गैर मुस्लिम होगी, उसको गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए था और भारत नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसी बंदे को मुसलमान करना चाहिए था। उसी बंदे को मुसलमान करना चाहिए था जी, जिसके साथ सीमा हैदर हिंदू होगी उसको मुसलमान करना चाहिए था। मुसलमान करना चाहिए था, हाँ, उस बंदे को मुसलमान, अगर उसने शादी उससे करनी थी तो उसे मुसलमान करती, अपने चार बच्चे भी उसने हिंदू किए हैं तो उसे तो उसकी पर्सनल चॉइस है। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन उसे अगले को मुसलमान करना चाहिए था। पर्सनल चॉइस है ना, हम ऐसे तो नहीं ना किसी पर भी अटैक कर, सही है, लेकिन हम उसे बुरा नहीं कह रहे। लेकिन मैं यही चाहती थी कि वो अगर मुसलमान है तो मुसलमान से किसी से करती। गैर मुस्लिमों के लिए आप पाकिस्तान में इतनी नफरत क्यों है? इवन बच्चा बच्चा गैर मुस्लिम से नफरत करता है, क्यों? आपको क्या लगता है? किसी से नफरत नहीं करते, किसी से नहीं करते, मगर वो गैर मुस्लिम पता नहीं लोग नफरत पता नहीं क्यों करने लग जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती। ये पाकिस्तान है, गैर मुस्लिम है, वो कहेंगे तुम गैर मुस्लिम क्यों हो, मुसलमान बनो। वो उनका अपना मजहब है, हम उनके मजहब का कुछ कह नहीं सकते। आपका कोई गैर मुस्लिम दोस्त है? नहीं। आप अलाउ करेंगे अपने बेटे को कोई गैर मुस्लिम दोस्त रखने पे? वो ये है कि यहाँ सारे लोग रहते हैं, सिख भी रहते हैं, चाइनीज भी, अगर है दोस्ती तो रखो, वो उनका अपना मजहब है, इनका अपना है। हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मजहब है उनका, वो जो भी मजहब है वो उनका है, हम उन पे नहीं ऑप्शन उठा सकते, ना वो हम पे उठा सकते हैं। लेकिन ना हमें अपने मजहब, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपने मजहब से प्यार है, आप मुसलमान हैं, आपको भी इस्लाम से प्यार होगा, ऐसे ही जो गैर मुस्लिम है उनको भी उनके मजहब से प्यार होगा। इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहती है कि भारत के साथ भी हमारे तालुकात अच्छे हों? अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इसीलिए तालुकात खराब है, एक तो माइनॉरिटीज के साथ यहाँ पर बहुत बुरा सलूक हो रहा है, जो सच्ची बात है, जो गैर मुस्लिम है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है बेटा यहाँ गैर मुस्लिमों के लिए हिफाजत है? जी हिफाजत होनी चाहिए, मगर है तो नहीं, मगर हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत को मिलकर रहना चाहिए। कुछ भी नहीं है मेरी नजर में, तो वो कुछ भी नहीं। क्यों? बस आप जिनको कह रही है हमारी नजर में कुछ नहीं है, वो दुनिया की नजर में बहुत आगे हैं। बस मुझे तो यही है कि ये एक इस्लामी मुल्क है, मुसलमान जो हम लोग हैं वो तो बस ऐसे ही है, मुझे नहीं वो नहीं मुझे पसंद लोग। गैर मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? हर टेक्नोलॉजी हम गैर मुस्लिमों के इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ फिर उनको देते हैं। गैर मुस्लिम भी तो इंसान है ना? वो तो है, लेकिन फिर जो इस्लाम में है वो सब उधर नहीं है,
सब कुछ तो इधर ही है बस वो यहाँ पर शरीयत तो है ही नहीं, शरिया लो तो है ही नहीं, शरीयत तो नहीं है वो ठीक है। मतलब हम हर काम जो है मतलब इस्लाम इस्लाम वाले तो बहुत चंदे की काम है जो हम कर रहे हैं, अदरवाइज हम मतलब कपड़ों से लेके जूती तक हम जो है ना ब्रांड इंटरनेशनल लेवल की पहन ली है। फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर है ठीक है, हमारी मीडिया में लड़कियों को बिठाते हैं, कौन सा इस्लामिक कंट्री, तालिबान ने शरीयत लाए हैं वो अपनी कंट्री में, यहाँ पर तो अभी तक शरीयत मिलती नहीं है। वो तो है लेकिन फिलहाल मुझे ना वो माहौल नहीं पसंद उन लोगों का माहौल, मतलब यही वो एडवांस ये अजीब से ड्रेस वगैरह और ये फिल्म इंडस्ट्री की अपनी मर्जी है ना, हम ये क्या कह सकते हैं। बात कर रही थी मैं तरक्की के बारे में, यही है कि मुसलमान वाकई है जो पाकिस्तान है थोड़ा पीछे रह गया उनकी नस्बत, उनकी नस्बत तो ये पीछे है, उन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तरक्की कर ली हुई है, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो ये आज के दिन ही देख लें तफरीह मकाम के लिहाज से एक दो पॉइंट है वो अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे बच्चे मतलब ठीक से इंजॉय भी नहीं कर पाते वो पर? ये लार्नस की बात कर लें आप, यहाँ पे कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, कोई पुराने झूले जो बचपन से देखते आ रहे हैं उनको इन्होंने मतलब कोई रेनोवेट नहीं किया हुआ, एक ऐसा गवर्नमेंट लगाने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो लोग जो जाते हैं उनके लिए तो अच्छा एनवायरनमेंट मिले ना।